नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बीआर सोनी एक बार फिर हाजिर हूँ छोटे से प्यारे से वीडियो संदेश के साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछने आया हूँ, आज देश घोर और गंभीर समस्या से जूझ रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, लेकिन जो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में जो कंपनियां काम करती है, क्या आज वो हमारे साथ खड़ी है, या जो ट्रेडिशनल मार्केट के जो मार्केट है वो हमारे साथ खड़ा है? कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे गली मोहल्ले की जो छोटी छोटी जो दुकानें हैं आज वो हमारे साथ खड़ी है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान हमें पूर्ति कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। वो कंपनियां, वो उनके शॉपिंग पॉइंट, वो उनके स्टॉक पॉइंट आज नजर नहीं आते हैं, वो सब के सब बंद पड़े हैं, क्योंकि उनके पास वो सामान नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनल, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। वो क्षमता सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट की दुकानों के अंदर है, उन दुकानों में, उन कंपनियों के पास वो क्षमता नहीं है कि हमारी रोजमर्रा की हर एक जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि हमारा जो कल्चर का जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो सोसाइटी का, हमारे जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमें रुई भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए हमें, उसमें हमें प्रसाद भी चाहिए, उसमें हमें नारियल भी चाहिए, लेकिन वो कंपनियां कभी जो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में FMCG के प्रोडक्ट जो बेचती है वो इन जरूरतों को पूरा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने का विषय है। और जो FMCG के प्रोडक्ट, जो तेल साबुन बेचने वाली जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां जब बिजनेस वॉल्यूम देने की बात आती है, जब कमीशन देने की बात आती है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम 1 लाख रुपए का सामान उन कंपनियों को बेच देता है कोई भी लीडर, कोई भी नेटवर्कर, तो उनको बिजनेस वॉल्यूम, उनको परचेज वॉल्यूम कितने रुपए का दिया जाता है? 30,000 रुपए का, 25,000 रुपए का। लेकिन उसी कंपनी का जब वेल का प्रोडक्ट सेल किया जाता है, वेल के प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो उन कंपनियों के जो परचेज वॉल्यूम होता है, जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, वो हमें 90%, 80%, 100% तक हमें मिलता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर वेल के प्रोडक्ट में कमीशन ज्यादा है और FMCG के प्रोडक्ट में कमीशन कम है, और FMCG के प्रोडक्ट की पूर्ति करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट हमारे साथ दिन रात खड़ा रहता है, हमारी परिवार की, हमारी घरेलू की, शादी ब्याह की सारी जरूरतों को ट्रेडिशनल मार्केट के बिना कल्पना अधूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट से हमें वो सारा सामान मिलता है जो हमारे तीज त्योहारों से जुड़े हुए हैं, हमारे शादी विवाह और संस्कारों से जुड़े हुए हैं, उन सभी की जरूरत हमें ट्रेडिशनल मार्केट से होती है। देश आज घोर विपत्ता में खड़ा है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के बिना इसकी कल्पना बिल्कुल अधूरी है। देश हमारे गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट की छोटी छोटी जो दुकानें हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, हमारे समाज का जो पालन पोषण करती है, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए खड़े हुए, मैं उनको सलूट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। और ठीक उसी तरीके से अगर वेल के प्रोडक्ट में अगर इस तरह के कमीशन मिलते हैं, 90% 100% कमीशन मिलता है, क्यों नहीं दोस्तों हमें एक वेल की कंपनी में ही काम कर लिया जाए? क्या जरूरतें हैं कि जो हमारे घर के आसपास जो किराने की दुकानें हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमें उनके रोजगार छीनने की? कहीं ये नेटवर्क कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों के माया जाल में तो नहीं फंस रहे हैं हम? ये सोचने वाला विषय है कि हमारे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कौन पूर्ति कर रहा है? आज इस समस्या में खड़े हैं, घर में बंदी की तरह पड़े हैं, लेकिन कौन सी दुकान खुली हुई है? हमारे गली मोहल्ले की दुकानें खुली हुई है, और वो गली मोहल्ले के दुकानदार हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, वो तुरंत हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं। हमारे घर की जरूरतों का हर एक सामान उनके पास मिलता है, तो और मुश्किल की घड़ी में भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो क्यों हम ऐसा काम करें, क्यों उन बड़ी नेटवर्क कंपनियों के माया जाल में हम फंसें कि हमें उन छोटे छोटे दुकानदारों के जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति कर रहे हैं हम उनके पेट पर लात मार रहे हैं, हम उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनियों के, नेटवर्क की कंपनियों के हम माया जाल में फंसते जा रहे हैं? तो दोस्तों, ये सोचने का विषय है, आप सोचिएगा जरूर। जब वो वेल की कंपनियों के कितने भारी कमीशन देती है, तो मैं आपको एक ऐसी कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ, बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें किसी भी प्रकार की मंथली रिपर्चेजिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मंथली रिपर्चेजिंग पर कोई कंडीशन नहीं है। आपने जैसे ही ज्वाइनिंग ली, आपने काम स्टार्ट किया, जो भी आपका कमीशन का स्लेब है, जो भी आपका कमीशन का लेवल है, उस हिसाब से आपको कमीशन आएगा, लेकिन कभी भी आपको मंथली रिपर्चेज की कोई कंडीशन उस कंपनी में नहीं है। दूसरी बात, कोई आपको टारगेट नहीं दिया जाता, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर राजा की तरह काम किया जाता है। तेल साबुन बेचने वाली घर घर जाकर के कि तू तेल ले ले, तुम साबुन ले लो, तुम टूथपेस्ट ले लो, क्योंकि उसे अगले महीने फिर खरीदना है, ऐसा कोई इस कंपनी में काम नहीं है। वेल की प्रोडक्ट में काम कीजिए, वेल की इंडस्ट्री में काम कीजिए,
और बिजनेस वॉल्यूम आपको बिल्कुल 100% मिलता है। आफ्टर जीएसटी आपको बिजनेस पूरा 100% मिलता है। और कमीशन का स्लैब 8-16% तक के लेवल पे, बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान यानी दो लेग का प्लान, दो लेवल का प्लान चलता है इसमें, बहुत ही शानदार और दमदार प्लान है। 25 लाख रुपए की बाइनरी इनकम के साथ, 25 लाख रुपए बाइनरी वीकली इनकम के साथ, यानी 1 CR 1 करोड़ 1 मंथ का बिजनेस प्लान है, जिसका नाम है बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्लान है। और उनका प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेनिफिट प्लस, यानी आपका भी प्लस, मेरा भी प्लस और समाज का भी प्लस। बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार वेल का प्रोडक्ट है और जो हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है 500 mg के कैप्सूल के साथ, जिसमें 10 प्रकार की अद्भुत जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार हुआ है बेनिफिट प्लस। जिंदगी में अगर आप करना चाहते हैं सब कुछ प्लस, तो ज्वाइन कीजिएगा मेरे साथ बेनिफिट प्लस। और मेरी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिएगा कि FMCG के प्रोडक्ट और जो नेटवर्क की जो कंपनियां हैं, जो तेल साबुन बिछवाने वाली जो कंपनियां हमें क्या बना रही है, हमें किस मानसिकता का हमें बना दिया कि हमारे घरों पर कई लोग ऐसे लीडरों से मैं मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, जिनके घरों में 4-4, 10-10, 20-20 टूथपेस्ट पड़ी हुई है, तेल भरा हुआ पड़ा है और उनके घरों पे साबुन के ढेर लगे हुए हैं। भाई ये क्या है, ये ऐसी हालत क्यों कर रखी है आपने? बोला क्या करें सर, हमें खरीदना पड़ता है सोनी सर, क्योंकि हमें टारगेट दिया जाता है, हमें मंथली रिपर्चेजिंग के लिए हमें कहा जाता है, अगर हमारे चेक हमें बनवाने होते हैं तो हमें ये खरीदना होता है। तो मैं कहता हूं कि ऐसी कंपनियों के बारे में एक बार फिर जरूर से सोचिएगा, जो कंपनियां ये दावा करती है कि 3 महीने का, 6 महीने का आप सामान खरीदिए, 1 महीने का फ्री। मैं कहता हूं कि आप ऐसी माया जाल में उलझने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में अपनी जरूरतों का सामान, डेली जरूरतों का सामान आप वहां पर खरीदिए। आपको जो पसंद आए, आप टूथपेस्ट लेने जाओगे 50 कंपनियों का टूथपेस्ट आपको देखने का मिलेगा, अलग अलग फ्लेवर आपको देखने को मिलेंगे। आप साबुन लेने जाओगे 100 प्रकार की साबुन आपको दुकानदार दिखाएगा, आपका वो ट्रेडिशनल मार्केट का जो शॉपकीपर है वो आपका दिखाएगा। आप अपनी पसंद की साबुन लेकर के आइए, आप अपनी पसंद का तेल लेकर के आइए। क्यों इन कंपनियों के माया जाल में फंसते हो, क्यों हम गली मोहल्ले के जो ट्रेडिशनल दुकानदार हैं उनके बिना हमारे समाज की कल्पना अधूरी है, उनके रोजगार छीनने का हम काम कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरी इन बातों पे विचार जरूर कीजिएगा। और आपका ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।